नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का पीटी एजुकेशन पे एक बार फिर से। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो एनालिसिस का आज है हमारा सेशन नंबर 63। देखते देखते 63 सेशन पे हम लोग आ चुके हैं। आज की जो हमारी टॉप 6 स्टोरीज रहेंगी, सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्ट करो 2021। इसमें बेसिकली किस चीज़ को कनेक्ट करने की बात की जा रही है, इसको देखेंगे। दूसरा हम बात करेंगे डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर, और मैं कुछ आपको बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के हवाले से कुछ ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा जिसमें बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो फार्मर्स है वो ज्यादातर किस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग लेबरर्स, राइट। थर्ड हमारी रहेगी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसके हाल फिलहाल नए नए ताजे आंकड़े आए हैं, इसको देखेंगे। फोर्थ ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कौन लेके आता है, ये रिपोर्ट लेके आती है वर्ल्ड बैंक, और बहुत ही भयानक इन्होंने इसमें बातें बताई हैं, उसको भी देखेंगे। फिफ्थ इज लिथियम ट्राइंगल, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड सिक्स्थ इज हिंदी दिवस, एंड फाइनली एमसीक्यूज फॉर द प्रैक्टिस। Shall we begin? चले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहली जो हमारी जो स्टोरी है वो है कनेक्ट करो 2021। किसको कनेक्ट करने की बात की जा रही है, तो हाल फिलहाल जो गृह मंत्री हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने कनेक्ट करो 2021 को एड्रेस किया। बेसिकली ये ग्लोबल सीरीज ऑफ इवेंट्स का एक पार्ट है, जो कि कौन ऑर्गेनाइज करता है, इसे ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, राइट। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के पीछे की मंशा क्या रहती है कि सारे भारतीय और जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया जा सके, ताकि उन्हें कुछ चीज़ें बताई जा सके, जैसे कि एयर पोल्यूशन रिलेटेड, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिलेटेड, अर्बन प्लानिंग रिलेटेड, अर्बन वाटर रेजिलियंस रिलेटेड, क्लाइमेट मिटिगेशन, सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज इसके ऊपर, पब्लिक ट्रांजिट। तो इन सब मुद्दों के ऊपर उनका ध्यान जो है वो अवगत किया जा सके, और किससे रिलेटेड, वो भी टूवर्ड्स इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन सिटीज। तो भारतीय शहरों, याद रखिएगा अर्बन इंडिया का पार्ट है ये सिटीज, तो भारतीय शहरों के ऊपर ध्यान केंद्रित करने को बोला जाता है किस इवेंट में, कनेक्ट करो इवेंट में। तो इन्हीं चीज़ों को कनेक्ट करना है, किन किन चीज़ों को, एयर पॉल्यूशन को, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को, अर्बन प्लानिंग को, अर्बन वाटर रेजिलियंस को, क्लाइमेट मिटिगेशन को, पब्लिक ट्रांजिट को, इन सबको कनेक्ट करने की बात की जाती है। अब इसमें पहला सवाल ये उठता है कि सिर्फ शहर ही क्यों लिए गए हैं, वाई नॉट विलेजेस। उसके तीन कारण बताए गए हैं। सबसे पहला, 2030 तक ऐसा अनुमान है कि लगभग देश का 70% जो कंट्रीब्यूशन है वो शहरों से ही आएगा, जीडीपी की अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण है बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दूसरा कारण ये बता रहे हैं कि जो अर्बन पॉपुलेशन है भारत की वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ती चली जा रही है, मतलब 630 मिलियन जो पीपल हैं वो इसमें ऐड हो गए हैं, राइट। और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी तेजी से डेवलप हुआ है, और कोविड-19 के बाद तो शहरों पे बहुत अलग तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, तो इसलिए सिटीज इस हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा, अगर IPCC की जो हाल फिलहाल की रिपोर्ट आई थी वो ये बताती थी कि सिटीज आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स एज वेल एज द वर्स्ट अफेक्टेड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज, तो जो शहर हैं वो ज़्यादातर कॉन्ट्रीब्यूट तो करते ही करते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज की मार भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को ही सहनी पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हुआ भी इन्हीं के वजह से ही है, एक अगर तौर पे बोला जाए तो। कुछ और इनिशिएटिव्स इंडियन सिटीज को लेके अगर हम देखें, यानी कि सिटी डेवलपमेंट्स को लेके हम देखें, तो उसमें हमारे पास है प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, अर्बन ट्रांसपोर्ट स्कीम, जल जीवन मिशन एंड स्वच्छ भारत मिशन वगैरह वगैरह करके कुछ और भी महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, जिन पे फिर कभी किसी और सेशन में इन सभी स्कीम्स पे हम बात करेंगे। तो ये था कनेक्ट करो 2021, दिस इज रिलेटेड टू connecting the problems of various fields towards Indian cities to make a equitable and sustainable growth, right? तो ये आपको ध्यान रखना है, connect करो 2021। दूसरी जो हमारी स्टोरी है वो है डिजिटल एग्रीकल्चर के ऊपर पे, जिसमें कृषि मंत्रालय ने हाल फिलहाल जो है 5 MOUs साइन की है प्राइवेट कंपनीज के साथ। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर को डिजिटल बनाना चाहते हैं, राइट। अब एक मिशन भी है, अ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, जो 2021 से 25 तक स्टार्ट किया गया है बाय गवर्नमेंट फॉर प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजीज, जैसे कि AI, ब्लॉकचेन, रिमोट सेंसिंग, GIS टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स, रोबोट्स, इन सब का यूज करके। अब इसमें इस मिशन के ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, ये 5 बिंदुए हैं इसमें। सबसे पहला, टू इम्बाइब एन इको सिस्टम थिंकिंग एंड डिजिटल इको सिस्टम। सबसे पहले आपको जो अभी जो मतलब एरा चल रहा है, अभी जो मतलब युग चल रहा है, उसमें डिजिटल चीज़ें ज़्यादा चल आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कृषि को भी इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है। दूसरा, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन एक्सटेंड्स फ्रॉम क्रॉप सिलेक्शन टू क्रॉप मैनेजमेंट एंड द मार्केट, इट इन्वॉल्व्स पब्लिक प्राइवेट प्लेयर्स इन एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड सर्विसेज आल्सो एंड आल्सो लॉजिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक तरीके से कनेक्ट करो की बातें की जा रही हैं, राइट। तो जो आपके जो एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स हैं उन्हें मार्केट से कनेक्ट करना है, उन्हें क्रॉप मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट करना है,
वेरियस अदर एग्रीकल्चर इनपुट से कनेक्ट करने की बात की जा रही है। तीसरा, एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम बनाने की बात की जा रही है जिसमें जो कृषि है वो लंबे समय तक सर्वाइव कर सके और उसमें कुछ नए नए चीज़ें देखने को मिले, जैसे कि डेटा क्वालिटी, डेटा स्टैंडर्ड्स, डेटा गवर्नेंस, इनोवेशन, नवाचार वगैरह काफ़ी इसमें देखने को मिले। ठीक है। चौथा, अ सिग्निफिकेंट रिक्वायरमेंट इज अडॉप्शन ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड फेडरल आर्किटेक्चर दैट एंश्योर्स ऑटोनॉमी टू द सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ऑल अदर सेक्टर्स एंड एंश्योर्स इंटरऑपरेबिलिटी एट द सेम टाइम। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके की फ्रीडम की बात भी की जा रही है कि डिसेंट्रलाइज कर देना चाहिए। अगर आप इस तरीके की टेक्नोलॉजी कृषि में लेके आ रहे हैं तो कम से कम इसे सेंट्रलाइज ना करके डिसेंट्रलाइज आप करें, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें किसी तरीके की फ्रीडम ऑटोनॉमी दे ताकि वो अपने काम को बेहद अच्छे ढंग से अंजाम पहुँचा पाए। फाइनल, क्रिएशन ऑफ अ फेडरल फार्मर डेटाबेस एंड बिल्डिंग डिफरेंट सर्विसेज अराउंड द डेटाबेस टू बिल्ड डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर, राइट। एंड सिक्स पॉइंट, फेडरल फार्मर्स डेटाबेस विल बी इंक्ड बाय द लैंड रिकॉर्ड्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड यूनिक फार्मर आईडी विल बी क्रिएटेड। बेसिकली कहीं ना कहीं इसको स्वामित्व स्कीम से आगे जोड़ेंगे, जहां तक मेरा अनुमान है कि ये जो पांच जो MOU साइन किए गए हैं तो इसमें स्वामित्व स्कीम, हमने बहुत बार इसको डिस्कस किया है, तो कहीं ना कहीं स्वामित्व स्कीम से इसको जोड़ा जाएगा। आने वाले समय में देखेंगे, इसके ऊपर हम बात करेंगे, राइट। कुछ आंकड़े मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से जो फार्मर्स की जो है, जैसे 2012-13 में एक जो फार्मर होता है उसकी आय किस किन किन कंपोनेंट्स में डिवाइड होती है। एक तो वो मजदूरी करता है दूसरे के खेतों में जाके, ठीक है, फिर अपनी खेती भी करता है, फिर पशुपालन हो गया, नॉन फार्म बिजनेसेस हो गए जैसे कि डेयरी वगैरह का, ठीक। कुछ बड़े अगर किसान है तो लैंड लीजिंग का काम भी करते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आप पर्टिकुलर प्रोफेशन में हैं तो अदर इनकम सोर्स जनरेट करने के लिए आप कुछ और काम भी करते रहते हैं। ये तो सभी के साथ होता है, तो किसानों के साथ भी होता है। तो 2012-13 के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना अमाउंट जो था वो वेजिस से आता था और उससे ज़्यादा अमाउंट उनको खेती करने से आता था, जबकि 2018-19 में ये जो दशा थी वो बदल गई। वेजिस से उनके पास पैसे ज़्यादा आने लगे, मतलब मजदूरी से उनके पास पैसे ज़्यादा आने लगे इन कंपेरिजन टू खेती। तो खेती में ध्यान, मतलब खेती में उतना लाभ नहीं था तो लोगों ने, मतलब किसानों ने ध्यान भी नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयानक सी स्थिति होती जा रही है और हमें इस पे सोचने की और रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इनके जो आय हैं या इनकी जो जीवन शैली है इनको उठा सकें। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज़ जो हैं इस पे लेके आनी पड़ेंगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फार्मर की वेलफेयर पॉलिसीज़ को उनको लॉन्च करना पड़ेगा। तीसरी स्टोरी है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिपोर्ट। भारत का जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 11.5% से राइज हुआ है जुलाई की, ये आंकड़े ये बताते हैं। पिछले साल के कंपैरिजन में 10.5% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ था। ये आंकड़े किसने दिए हैं? ये आंकड़े दिए हैं NSO ने, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने ये आंकड़े दिए हैं। इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं IIP में, बेसिकली ये जो कंट्री का जो ये आउटपुट बताते हैं इसमें 8 कोर सेक्टर्स लिए जाते हैं। अब 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं आपके पास? 8 कोर सेक्टर्स जो हैं, सबसे पहले पे आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, दूसरे पे इलेक्ट्रिसिटी, तीसरे पे स्टील, चौथे पे कोल, पांचवे पे क्रूड ऑयल, छठे पे नेचुरल गैस, सातवें पे सीमेंट और आठवें पे फर्टिलाइजर्स। तो ये आपके 8 कोर सेक्टर्स हैं जिनसे आपका इंडस्ट्रियल आउटपुट या कंट्रीज का जो आउटपुट है वो तय होता है। इसको हम इंफ्रास्ट्रक्चरल आउटपुट भी कहते हैं। ये जुलाई 2021 में 9.4% की ग्रोथ रेट पे आया है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी ने सबसे ज़्यादा, मतलब ग्रोथ रेट दिखाए हैं, लगभग 19.5%, 10.5%, 11.1%, राइट। IIP क्या है? IIP बेसिकली एक ऐसा पैमाना है जो कि बताता है कि आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन किस वॉल्यूम में हुआ है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के दौरान। मतलब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है डिमांड भी मार्केट में ठीक ठाक ही है। इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द NSO। NSO इसे करता है, MOSPI के तहत आता है, ध्यान रखिएगा। इसका बेस ईयर क्या है? इसका बेस ईयर है 2011-12। इट इज़ यूज बाई गवर्नमेंट एजेंसीज इंक्लूडिंग द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ताकि वो अच्छे से पॉलिसी बना सके। तो इन्हीं आंकड़ों को देख देख कर ही उनकी पॉलिसी समझ में आती है, या RBI कह लीजिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठती है वो इन्हीं सब आंकड़ों को देखती है। IIP रिमेन्स एक्सट्रीमली रेलिवेंट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टरली एंड एडवांस GDP एस्टिमेट्स, राइट। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमारी 8 कोर सेक्टर्स क्या हैं, उनके वेटेज किस ऑर्डर में है। ये ऑर्डर भी मैंने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया है, कितना राइज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस किसने दी है, बेस ईयर क्या है, रिलीज कौन करता है, ये सब चीज़ें आप जो है मोटा मोटी आप ध्यान रखना, राइट, क्लियर है। तो ये बगल में चार्ट भी लिखा दिया गया है। तो एक रिकवरी पाथ पे कहीं ना कहीं भारतीय की जो अर्थव्यवस्था है वो आती हुई दिखाई दे रही है। अगली स्टोरी पे हम चले तो ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की तरफ से आई है।
ये रिपोर्ट बताती है कि क्लाइमेट चेंज लगभग लगभग 216 मिलियन पीपल अक्रॉस सिक्स वर्ल्ड रीजन्स टू मूव विद इन देयर कंट्रीज बाय 2050। 2050 तक इतने लोग, ठीक, कितने लोग, राइट, इतने लोग 216 मिलियन पीपल जो हैं क्या करेंगे, क्लाइमेट चेंज उनको फोर्स करेगा कि वो माइग्रेट करें, राइट। और ये आपको इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन जो है वो आपको अर्ली 2030s में ही दिखने शुरू हो जाएंगे और 2050 तक आते आते काफ़ी इंटेंसिफाई हो जाएंगे। ये रिपोर्ट पहली बार 2018 में पब्लिश की गई थी, फर्स्ट ग्राउंडवेल रिपोर्ट, जिसने बताया कि एक मतलब पूरी मॉडलिंग वगैरह की गई और पूरा देखा गया कि फ्यूचर क्लाइमेट माइग्रेशन कैसे हो सकता है। और इसमें तीन रीजन निकल के सामने आए। सबसे पहला आया सब सहारन अफ्रीका, साउथ एशिया और लैटिन अमेरिका। यहाँ बताया गया कि ये जो रीजन है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट माइग्रेशन देखने को मिल सकता है। फिर जब दूसरी रिपोर्ट आई तो उस दूसरी रिपोर्ट में पहले रिपोर्ट को ही मतलब कंसिडर किया गया और उसी अप्रोच के साथ तीन और नए रीजन बताए गए जो कि निकले, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। तो ये तीन नए रीजन और ऐड कर दिए गए कि यहाँ पे भी असर जो है देखने को मिल सकता है, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया ऑल्सो। द टू रिपोर्ट्स कंबाइंड फाइंडिंग प्रोवाइड फॉर द फर्स्ट टाइम अ ग्लोबल पिक्चर ऑफ पोटेंशियल स्केल ऑफ इंटरनल क्लाइमेट माइग्रेशन अक्रॉस द सिक्स वर्ल्ड बैंक रीजन्स, राइट। अब जो अभी जो रिपोर्ट आई है, कह सकते हैं कि ये थर्ड रिपोर्ट है। इस थर्ड रिपोर्ट में इन्होंने सब सहारन अफ्रीका को बोला है कि ये ज़्यादातर वल्नरेबल हैं ड्यू टू डेजर्टिफिकेशन, फ्रेजाइल कोस्ट लाइन्स एंड पॉपुलेशन डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा माइग्रेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी पे उन्होंने बताया नॉर्थ अफ्रीका है, नॉर्थ अफ्रीका में भी लगभग लगभग काफ़ी मात्रा में जो है क्लाइमेट माइग्रेंट्स आपको देखने मिलेंगे। एंड फाइनली साउथ एशिया, साउथ एशिया में भी बांग्लादेश को उन्होंने पर्टिकुलरली हाईलाइट किया है कि यहाँ पर फ्लडिंग और क्रॉप फेलियर के कारण काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लाइमेट माइग्रेंट्स देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश तो अपना पड़ोसी देश है, राइट, कहीं ना कहीं भारत को इस चीज़ के लिए इस रिपोर्ट को काफ़ी सीरियसली ले लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ही खतरनाक आंकड़े बता रहा है कि जिस तरीके से क्लाइमेट माइग्रेशन होगा। सिंधु घाटी सभ्यता आपको याद होगी, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के पीछे एक तथ्य ये भी माना जाता है कि बाढ़, फ्लड के कारण जो है वहाँ पे वो सभ्यता पूरी खत्म हो गई थी। तो कुछ ऐसे ही अनुमान 2050 तक हमारी सभ्यता के लिए भी लगाए जा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज शायद हमारी सभ्यता को खत्म करेगा। देखेंगे खत्म करेगा कि नहीं करेगा। रोड हेड क्या है कि हर देश को एडवांस प्लानिंग करनी होगी माइग्रेशन को लेकर, एमिशंस को जितना हो सके उतना रिड्यूस करना होगा, और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट पाथवेज तलाशने होंगे जिनसे एक बहुत अच्छी पॉलिसीज और नीति तैयार की जा सके और हम 2050 तक 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब 2 भी नहीं, 1.5 कह लीजिए, 1.5 डिग्री सेल्सियस के नीचे सस्टेन करते रहे, राइट। चलिए, ये वो चार्ट है डायरेक्ट रिपोर्ट से निकाल के लेके आया हूँ कि कहाँ कहाँ कितने कितने क्लाइमेट माइग्रेंट्स आपको मिलते दिखाई देंगे। पहले माइग्रेशन तो इंटरनली होता है, फिर बाद में एक्सटर्नल हो जाता है। अगली स्टोरी हमारी लिथियम के ऊपर। लिथियम जो है अब नया वाइट गोल्ड बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो है बहुत हाई हो गई है। डिमांड हाई क्यों हुई है? क्योंकि ये रिचार्जेबल बैटरीज में काम आता है। अब बैटरीज तो आपको हर चीज़ में चाहिए, आपको अपने फ़ोन में बैटरी चाहिए, राइट। तो रिचार्जेबल बैटरीज की डिमांड राइज हो रही है तो उसमें लगने वाला लिथियम भी राइज हो रहा है, और इसको क्या बोला गया है, इसको एक टर्म दिया गया है, वाइट गोल्ड। लिथियम की इस राइजिंग डिमांड के कारण इसके प्राइसेस में भी काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिल रहा है, और इसे बोला गया है लिथियम ट्रायंगल। किसे बोला गया है? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिली, ये तीनों पे ही यहाँ पर ज़्यादातर जो है मतलब दीज आर द बिग रिजर्व्स ऑफ लिथियम, सो दिस इज कॉल्ड एज द लिथियम ट्रायंगल। अर्जेंटीना के वेरियस जो प्रोविंसेस हैं उसमें काफ़ी सारे जो नोड्स बने हुए हैं या जो बिल्डिंग माइनिंग के जो लॉजिस्टिक्स हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल जो है ज़्यादा हो रहा है, और वहाँ पर जो लिथियम से रिलेटेड जो इन्वेस्टमेंट है ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। लिथियम के ऊपर अगर हम थोड़ी बेसिक बातें करें, जनरल साइंस भी एक सिलेबस का पार्ट है, तो जनरल साइंस के ऊपर अगर हम बात करें तो लिथियम को Li के सिंबल से देखा जाता है। सॉफ्ट और वेरी सिल्वरी वाइट मेटल होता है, राइट, लाइटेस्ट मेटल है एंड लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट भी है, हाईली रिएक्टिव है, फ्लेमेबल भी है और मिनरल ऑयल में स्टोर भी किया जा सकता है। इट इज़ एन अल्केली मेटल एंड अ रेयर मेटल ऑल्सो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट, लैपटॉप्स के कंपोनेंट, आपके फोन्स के कंपोनेंट, उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जो बिगेस्ट और जो लार्जेस्ट रिजर्व्स हैं इसके, चिली है पहले नंबर पे, दूसरे पे ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे पे अर्जेंटीना है, राइट। भारत और लिथियम के हम देखें तो एटमिक मिनरल डायरेक्टर जो कि AEC के तहत आता है, एटमिक एनर्जी कमीशन के तहत आता है, तो एटमिक मिनरल्स के डायरेक्टरेट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एस्टिमेट किया है कि भारत में लगभग लगभग 14,100 टन का जो है लिथियम रिजर्व्स हैं, और जो ज़्यादातर कहाँ पे पाया जा रहा है तो जो मांड्या डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, वहाँ पे आपको मालूम ही होगा कि जो लिथियम का पहला साइट भारत में देखा गया था वो कर्नाटक राज्य में ही देखा गया था।
उसके बाद राजस्थान के कुछ बेल्ट्स हैं, बिहार के कुछ बेल्ट्स हैं, आंध्र प्रदेश के कुछ बेल्ट्स हैं जहाँ पर इन्हें देखा जाता है, सिमिलर टू ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ ऑल्सो। फिर उसके बाद आपका रन ऑफ कच्छ आ गया गुजरात में। इंडिया थ्रू अ न्यूली स्टेट ऑन कंपनी खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, तो इस कंपनी का नाम आपको याद रखना है कि ये जो नई कंपनी है खानजी खनिज विदेश, माफ कीजिएगा खानजी नहीं है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इन्होंने अर्जेंटीनिया के एक फॉर्म के साथ अभी हाल फिलहाल एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसमें लिथियम को लेकर इसमें सारी बातचीत की गई है कि हम आपकी मदद से इंडिया में ये सब काम करना चाहते हैं, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बेसिकली समझ लीजिए। तो ये इंडिया लिमिटेड, इसको आप नाम याद रखिएगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, क्लियर है। अभी बात ये चल रही है कि शुगर डोप्ड लिथियम बैटरीज बनाने की भी बात की जा रही है, शुगर डोप्ड लिथियम सल्फर बैटरीज, राइट। तो साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं कि इसको वो देख सकें। इस पे भी फिर कभी हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में, अगर ये पॉसिबल हो पाया तो एक बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में। और ये वो ट्राइंगल की मैं आपसे बात कर रहा था, दिस इज द लिथियम ट्राइंगल, बोलीविया अर्जेंटीना एंड चिली, क्लियर। चलिए आज की हमारी फाइनल स्टोरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट की जाती है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है। भारत ने 14 सितंबर 1949 को इसको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे अडॉप्ट किया था। फर्स्ट हिंदी डे 1953 में सेलिब्रेट किया गया। हिंदी के अलावा इंग्लिश भी भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये दोनों ही आर्टिकल 343 के तहत आते हैं। हिंदी इज ऑल्सो एन 8th शेड्यूल लैंग्वेज। आर्टिकल 351 पर्टेन्स टू डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज। ध्यान रखना है आपको कि हिंदी एक क्लासिकल लैंग्वेज नहीं है। तो आज के लिए आपका पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि भारत में कितने क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, राइट। वर्ल्ड हिंदी डे की अगर हम बात करें तो ये 10 जनवरी को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी डे जो है आपका 10 जनवरी 1975 को कोमेमोरेट किया गया था, जिसमें 122 डेलीगेट्स आए थे और 30 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पहली बार 2006 में जो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, हिंदी को पूरे विश्व में प्रमोट करने के लिए इसको मतलब आगे प्रोत्साहित किया, प्रमोट किया। द वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन मॉरिशियस इन 2018। तो ध्यान रखना है कि विश्व हिंदी सचिवालय ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, मॉरिशियस में 2018 में। तो काफ़ी सारे इसमें स्टैटिक के जीके के फैक्ट्स आपके बन सकते हैं, सवाल काफ़ी यहाँ से आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है, माफ कीजिएगा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राइट। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हैं आपके लिए, कुछ मज़ेदार पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, क्लियर। एक बार फिर से सारी स्टोरीज को कवर अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कनेक्ट करो 2021, देन डिजिटल आर्किटेक्चर, देन IIP, ग्राउंड्सवेल रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, लिथियम एंड फाइनली हिंदी दिवस। MCQs की बात करें तो पिछले सेशन में जो हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे उसका उसके जवाब हैं कुकी ट्राइब्स, ये अभी हाल फिलहाल कहाँ देखे गए हैं, तो मणिपुर एंड मिजोरम दोनों में देखे गए हैं कुकी ट्राइब्स, राइट। दूसरा कंपटीशन एक्ट 2002 रेगुलेट्स कॉम्बिनेशंस, जिसमें एक्विजिशन, एक्वायरिंग ऑफ कंट्रोल एंड मर्जर एंड एक्विजिशन, ये दोनों ही, ये तीनों ही मतलब लिए जाते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तीसरा था हमारा NFRA को लेके। NFRA में आप देखेंगे तो NFRA में ये कुछ उनकी लिस्टेड कंपनीज को लेके कुछ उनके मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस थे, 500 करोड़ से कम का कैपिटल नहीं होना चाहिए, 1000 करोड़ से ज़्यादा का एनुअल टर्नओवर नहीं होना चाहिए, इस तरीके से था। दूसरा स्टेटमेंट आप देखेंगे तो इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कमिटेड बाय द मेंबर्स ऑफ ICI, ये बिल्कुल गलत है, इट कैन, तो ये कैन नॉट नहीं आएगा, इट कैन इन्वेस्टिगेट, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सही क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आज के 3 सवाल आपके लिए लगा दिए गए हैं। गुज्जर बाकर वाला ट्राइबल कम्युनिटी ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहे हैं गुज्जर बाकर वाला ट्राइबल कम्युनिटीज, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। दूसरा GST काउंसिल पे बहुत ही बेसिक सा सवाल मैंने आपसे पूछा हुआ है। तीसरा इन्फ्लेशन, अगर मुद्रास्फीति यानी महंगाई अगर बढ़ती है तो इससे फायदा किसको होगा समाज के अंदर में, 4 ऑप्शन हैं। अपने ऑप्शन को आराम से सोच के वीडियो को पॉज करके कमेंट थ्रेड में पूरा पार्टिसिपेट कीजिएगा, राइट। PT के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज भी ऑन है आपके लिए, CA बूस्टर प्रीमियम और पावर ऑफ 10 वंडरफुल एनालिसिस, आपको खूब डीप एंड रिच इनसाइट्स इसमें मिलेंगे। करंट अफेयर्स के एनुअल कंपाइलेशन भी बुक स्टोर पे आ चुकी है, जाइए परचेज कीजिए, डाउनलोड कीजिए और रिवाइज करना स्टार्ट कीजिए। UPSC की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, सेल्फ प्रेप कोर्स है हमारे पास विद फुल ऑनलाइन सपोर्ट, काफ़ी सारे इसमें फीचर्स हैं, 1 ईयर के कोर्सेज भी हैं, स्पेशल कोविड पैकेजेस भी हैं, सभी आपके लिए बनाए गए हैं।
और सिविल्स तपस्या पोर्टल को अगर आप यूज करेंगे तो ये भी आपके लिए काफी मतलब बेहतरीन रहेगा, क्योंकि डेली बेसिस पे यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स विद रेगुलर अपडेटेड कंटेंट, उसके बाद द हिंदू का रेगुलर एनालिसिस, काफी सारे पीडीएफ आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं और हजारों हजारों एमसीक्यूज आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? तो जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट, हम इसी तरीके से मिलेंगे अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय।